नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई की चार्जशीट के बाद पीड़िता के भाइयों का कहना है कि इस घटना के बाद से पड़ोसी, गांव वाले और यहां तक कि जिला अधिकारी भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। परिवार का कहना है कि अब उनको न्याय की पहली सीढ़ी दिखी है और वो जल्द ही अपराधियों को सजा होते देखना चाहते हैं। परिजनों का कहना है कि उनको कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। परिजनों का कहना है कि सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि के बारे में शुरुआत में अधिकारियों ने बार बार पूछा कि कहीं वो इस पैसे को वापस तो नहीं लौटाना चाहते हैं, लेकिन फिर हमको कहना पड़ा कि इस पैसे की जरूरत हमको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पड़ेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि नया साल शुरू होने से पहले कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि इस संकट को खत्म करने के लिए किसानों के विभिन्न समूहों से अनौपचारिक बातचीत की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर 24वें दिन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात करनी चाहिए, हम सरकार से बात करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फूड सप्लाई चेन को किसानों ने बंद नहीं किया है और ना ही हमारी बंद करने की कोई योजना है। किसानों ने पीएम मोदी के एमएसपी के दावे को झूठा बताया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को विपक्ष के साथ जोड़ दिया। किसान संगठन ने कहा कि कृषि कानूनों पर समाधान को लेकर बोलने के बजाय उन्होंने अपने आप को एक पार्टी के नेता के तौर पर ही सीमित कर लिया, जिससे देश के एक जिम्मेदार मुखिया की भूमिका कमजोर हुई, जिससे समाधान की उम्मीद की जाती है। पीएम मोदी के एमएसपी बढ़ाने के दावे को भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने भी झूठा बताया है। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपीए के समय एमएसपी में औसतन 8 से 12% की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब 1 से 5% की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही पीएम मोदी द्वारा स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किए जाने को लेकर टिकैत ने कहा, ये बीजेपी द्वारा एमएसपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार नहीं है, जिससे किसानों के अधिकारों का दमन होता है। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मुल्लाह ने पीएम मोदी के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि ये कृषि कानून अचानक से नहीं लाए गए हैं बल्कि दशकों की चर्चा के बाद आए हैं। हन्नान मुल्लाह ने कहा कि बिना किसानों से चर्चा किए ये कहने का क्या मतलब है कि हम 20 सालों से इन कानूनों पर नौकरशाही के कमरों में चर्चा करते रहे, एक भी किसान से इन कानूनों को लाने से पहले नहीं पूछा गया। अब किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के अंदर से ही सुर उठने लगे हैं। ताजा मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का है। उन्होंने साफ कहा है कि किसानों ने जिस आंदोलन का बिगुल बजाया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सरकार को किसानों से बातचीत कर जल्द ही इसका हल निकालना चाहिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह शुक्रवार को सांपला में छोटूराम पार्क में चल रहे धरने में पहुंचे और किसानों को समर्थन किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आज तक से कहा, सरकार ने कानून बनाया है तो ये सरकार थोड़ी कहेगी कि ये गलत कानून है, लेकिन किसान ये कहते हैं कि संवाद की जरूरत है, बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि कुछ नतीजा निकले। कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। शनिवार से शुरू होने वाली बातचीत और मुलाकात का ये दौर अगले 10 दिन तक चलेगा और सोनिया गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की ओर से पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर मनाई हुई तो विकल्प के तौर पर प्रियंका गांधी के नाम पर सहमति बन सकती है। सोनिया गांधी के साथ बैठक में बागी नेता भी शामिल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि जिसके बाद बाकियों के साथ ये बैठक महीनों से चली आ रही अंदरूनी कलह को खत्म करने की दिशा में एक कोशिश होगी। 23 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में 23 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। अपनी चिंताओं को लेकर 5 या 6 नेताओं का एक कोर समूह सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकता है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब सत्तारूढ़ टीएमसी बगावत के दौर से गुजर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता जैसे नेता शाह के बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से एन पहले उनके एक पोस्टर को लेकर विवाद पनपा है। मामला इतना अधिक गर्मा गया कि पोस्टर तक हटवा दिया गया। दरअसल इस पोस्टर में शाह का फोटो रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के ऊपर दिखाया गया था। शुक्रवार को इसी पर बीरभूम जिले में बोलपुर के दौरे से पहले शांति निकेतन में कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में अंदरूनी घमासान जारी है। नेताओं के इस्तीफा देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में लगी है। हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले विधायक जितेंद्र तिवारी ने माफी मांगकर पार्टी में वापसी कर ली है। तिवारी ने ममता सरकार में मंत्री अरूप विश्वास से मुलाकात के बाद कहा कि मैं टीएमसी के साथ हूं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगूंगा। बताया जा रहा है कि अरूप विश्वास और प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद उन्होंने ये यूटर्न लिया है। मुरादाबाद में कथित लव जिहाद को लेकर गिरफ्तार किए गए मुस्लिम पति और उसके भाई को आखिरकार छोड़ दिया गया है। एनडीटीवी के अनुसार कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले, जिसके बाद उनको छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बता दें, पिंकी नाम की युवती ने राशिद नाम के युवक से जुलाई में शादी की थी, लेकिन जब वो 4 दिसंबर को अपनी शादी के पंजीकरण के लिए जा रहे थे, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़कर थाने पहुंचा दिया, जिसके बाद से युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया, जहां युवती ने आरोप लगाया कि उनको इंजेक्शन लगाए गए, जिसके कारण उनको गर्भपात करा दिया गया। तो राशिद और उसके भाई को जेल भेज दिया गया। युवती का आरोप है कि उनको प्रताड़ित किया गया है। बीजेपी जिस तरह धनबल और कई तरह के दबावों का प्रयोग कर कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी ओर मिलाकर सरकार गिराने बनाने का खेल पूरे देश में खेलती है, असम में वह स्वयं उसका शिकार हो सकती है। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी BTC के नए सत्तारूढ़ गठबंधन से संबंधित निर्वाचित सदस्यों को विपक्ष बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी BPF खरीद ना ले। BJP और UPPL ने इस डर से इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को गुवाहाटी के एक होटल में रखा है। बता दें, 40 सदस्यीय BTC के चुनाव 7 और 10 दिसंबर को हुए थे। UPPL ने 12, BJP ने 9, GSP ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस का इकलौता पार्षद कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गया। राज्य सरकार में BJP के सहयोगी BPF ने 17 सीटें जीती। हालांकि BTC का चुनाव BJP ने BPF के साथ नहीं लड़ा था। BJP ने उल्टा BPF के खिलाफ जोरदार प्रचार किया था। BJP ने UPPL को नया साथी बना लिया था और अब BPF के पास 17 सदस्य हैं। BJP और UPPL को डर है कि कहीं BPF उनके कुछ पार्षदों को खरीद कर सरकार बनाने का दावा ना कर दे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,152 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 347 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जहां कोरोना के मामले 1 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। पहला देश अमेरिका है। भारत में कोरोना के कुल मामले 1,04,000 से ज्यादा हो गए हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 3,08,000 के पार हैं। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में शर्मिंदगी का अपना चरम छू लिया। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी महज 36 रनों पर सिमट गई, जो इतिहास में भारत का अब तक का सबसे कम स्कोर है। हालांकि भारत की ओर से 9 विकेट ही गिरे, लेकिन मोहम्मद शमी चोट लगने के चलते आखिरी बल्लेबाज के तौर पर रिटायर्ड हट हो गए। इसके पहले एक पारी में भारत का सबसे कम स्कोर 42 रन था। भारतीय पारी 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 42 रनों पर सिमट गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।